अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अनोखी दास्तान के बारे में। भारत का एक दामाद जो अपने सास से शादी कर चुकी है। आइए हमारे साथ रहिए, और अगर किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दुनिया में भारत का शुमार इन चंद ममालिक में होता है, जहाँ के रहने वाले कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं जो कि जगहंसाई का बास बन ही जाता है। भारतीय रियासत बाहर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान ने भी कुछ ऐसा ही किया है जो कि शायद आपको भी हंसने पर मजबूर कर देगा। हुआ कुछ यूँ कि बाहर के 20 साल नौजवान सूरज मापतू, जो के गांव से ताल्लुक़ रखना है, उन्होंने अपनी अहलिया के हाय अपनी सास से ही शादी कर ली है। 42 साल खातून आशा देवी बेटी की शादी सूरज से कराने वाली थी, ताहम कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सब कुछ बदल कर ही रह गया। दिलचस्प बात यह है कि आशा देवी और सूरज एक दूसरे को पसंद करते थे। शादीशुदा बेटी का घर उस वक्त उजड़ गया जब दामाद ने सास से शादी करने का फैसला किया। इस सब की शुरुआत उस वक्त हुई जब बीमार दामाद की इयादत करने आशा देवी बेटी के घर आई, जहां सूरज को सास ऐसे बाई के फिर दोनों को फोन पर बातें होने लगी। यूं दोनों के दरमियान बातचीत भी ज़्यादा होने लगी और बेतकल्लुफी की शुरुआत भी होने लगी। अगरचि बेटी ने अपना घर बचाने के लिए बेहद कोशिशें की, ताहम दोनों की मोहब्बत ही कुछ ऐसी थी कि पंचायत भी दोनों को शादी को न रोक सके। दोनों को देखकर बेटी इसी वक्त बेहोश हो गई। ताहम आशा देवी का कहना था कि मैंने तलाक के लिए कदम उठा लिया है और वो मेरे लिए सिर्फ दामाद ही है, जबकि बेटी अपने वालिद के हमरा दिल्ली में रिहाइश इख्तियार कर हुए है।